तो आज पॉल हेमन ने कर लिया अपना रिटर्न और वो अपनी ओजी ब्लडलाइन के लिए पांचवा बंदा भी लेके आए हैं जो कि है सीएम पंक। तो क्या हालचाल दोस्तों, मुझे तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज के स्मैकडाउन की शुरुआत में हमें दिखता है कि सोलो और उसकी ब्लडलाइन एंट्री लेती है और वो रिंग में पहुंच के बोलते हैं सॉल्ट लेक सिटी एक्नॉलेज मी। तो हम एक हफ्ता दूर है सर्वाइवर सीरीज से पर अभी तक हम डोमिनेट कर रहे हैं, जिसे सुन के सारी क्राउड ओटीसी के चैंट लगाती है। तो सोलसिका बोलते हैं मैं और मेरी टीम रेडी है, वो आ जाए। पर तुम्हें पता है रोमन रेंस खुद रेडी नहीं है, वो कभी रेडी रहता ही नहीं है, तभी तो वो आज यहाँ नहीं दिख रहा। पर जब वो यहाँ आएगा तो मैं चाहता हूँ वो मेरी कुछ शर्तें माने, और अगर वो मेरी शर्तें मान लेता है तो मैं उसे और उसकी टीम को छोड़ दूंगा, पर साथ साथ एक्नॉलेज करवाने के बाद। हाँ, जैसे कि इसने बोल दिया और रोमन इसकी बात मान लेगा, पर जो भी हो एंड में आपको पता चली जाएगा क्या क्या बवाल चीज होने वाली है। पर अभी के लिए वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए मैच होता है, जिसमें होती है बियंका बेलेयर, चेल्सी ग्रीन और ब्लेयर डेवनपोर्ट, जिसमें जीतने के चांसेस तो बियंका बेलेयर के ज्यादा थे। पर तभी हमें बैकस्टेज में दिखाया जाता है कि बियंका बेलेयर की टैग टीम पार्टनर जेड कारगिल को किसी ने बहुत गंदी तरीके से मारा है, जिस वजह से बियंका बेलेयर अपने मैच को छोड़ के अपने दोस्त के पास चली जाती हैं और इसी का फायदा उठा के चेल्सी ग्रीन इस मैच में विन कर जाती हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए दो कंटेंडर मिल गए, बेली और चेल्सी ग्रीन। पर जेड कारगिल को आखिर मारा किसने वो अभी तक पता नहीं चला है। पर उन्हें छोड़ो, औरतों के मैटर में ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए वरना हम ही उनके बीच में पिस जाएंगे। जिसके बाद एलएन नाइट का मैच होता है सैंटोस एस्कोबार से और इस मैच को खुद देखने के लिए आते हैं सिंसुके नाकामोरा। पर जैसे एलएन नाइट इस मैच में विन कर जाते हैं तो नाकामोरा उन पे अटैक कर देते हैं और वो उन्हें वहाँ पे पेल पाल के आराम से चले जाते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। जिसके बाद ओजी ब्लडलाइन हमें बैकस्टेज में दिखाई देती है पर वो रिंग में पहुंचती नहीं है। पहुंचते हैं तो ये इनका मैच होता है तमासो चैंपा से और इस मैच में आराम से मोंटेसफोर्ट विन कर जाते हैं, पर फिर तमासो चैंपा पिछले हफ्ते की तरह पागल हो जाते हैं और वो फिर से उन्हें मारने लगते हैं, जिस वजह से एंजेलो डॉकिंस आते हैं उन्हें मारने के लिए, पर उन्हें रोकने के लिए जॉनी गर्गानो आते हैं और वो शांति से सभी को रोक रहे होते हैं, पर तमासो चैंपा पे भूत चढ़ा हुआ होता है, वो किसी की बात सुनी नहीं रहे होते हैं। जिसके बाद मोटर सिटी मशीन गन वहाँ पे आती है और फिर तमासो चैंपा वहाँ से भाग जाते हैं। मतलब क्या सीन चल रहा है यहाँ पे, एक टैग टीम के बीच में दरार आ रही है और दूसरी टैग टीम उनकी मदद कर रही है, पर इस स्टोरी लाइन में मजा तो बहुत आ रहा है। और फिर अब हमारे चैंपियन कोडी रोड्स आते हैं रिंग की तरफ और वो रिंग में पहुंचते ही बोलते हैं ये समय है मिलन का। हाँ, ये समय है मिलन का। तो केविन ओवंस अपनी तशरीफ लेके जल्दी रिंग में आ जाओ, मुझे सभी कह रहे हैं रैंडी ऑर्टन यहाँ पे नहीं है, केविन ओवंस यहाँ पे नहीं है, पर ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है केविन ओवंस तुम यहाँ हो, तो मेरे से इंतजार नहीं हो रहा है, चुपचाप अपनी तशरीफ लेके मेरे पास आ जाओ। लो मैं आ गया, पर मुझे एक चीज का बुरा लगा, मुझे बोला गया था कि महान कोडी रोड्स ने मेरे को बुलाया है इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, जिस वजह से मैं अपने सबसे अच्छे कपड़े पहन के आया था तुमसे मिलने के लिए, पर तुम तो अपने ये घर के रोजाना वाले कपड़े पहन के आ गए, मतलब मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। हाँ, तुम्हें बुलाया गया है पर वहाँ पे ऑडियंस के बीच में खड़े रहने को नहीं, यहाँ पे मेरे सामने रिंग में खड़े होने को। तो गाफ में गुदा है तो रिंग में मेरे सामने आओ। अरे मेरा प्यारा कोडी रोड्स, तुम क्या समझते हो, तुम जो बोलोगे वो होगा, तुमने बोला मैं यहाँ जाऊँ तो मैं यहाँ आ गया, अब तुम बोल रहे हो तुम्हारे सामने रिंग में खड़ा हो जाऊँ तो वो भी करूँ, मैं तुम्हारा चमचा नहीं हूँ जो मैं तुम्हारी बात मानूँ, तुम मुझे रिंग में क्यों बुला रहे हो, तुम में हिम्मत है तो तुम यहाँ पे मेरे पास आ जाओ और मैं देख रहा हूँ तुम्हें लड़ने का मन कर रहा है तो यहाँ आके लड़ो ना। पर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे आज लड़ने का मन नहीं है, जो जो भी यहाँ पे अभी तक हुआ है वो सब तुम्हारी गलती है, रैंडी ऑर्टन के साथ भी जो हुआ सब तुम्हारी गलती वजह से हुआ। मेरी गलती की वजह से? हाँ, तुम्हारी गलती की वजह से। जानना चाहते हो, मैं 4 साल से ब्लडलाइन से लड़ रहा था, उस रोमन ने और उसकी ब्लडलाइन ने मेरा 4 साल तक नाक में दम करके रखा और उन्होंने कई बार ट्राई किया मेरा करियर खत्म करने की, पर उनकी गाफ में इतना गुदा नहीं था जो वो मेरा कुछ उखाड़ पाते, और फिर मेरा उनके साथ इतना वक्त जाया हुआ, मैं उनके साथ इतना लड़ा उससे कोई दिक्कत नहीं थी, पर जब तुम आए मैंने तुम्हारी मदद करी, मैं तुम्हारी तरफ से लड़ा, मैं तुम्हारे साथ लड़ा उस ब्लडलाइन से, मैंने तुम्हें चैंपियन बनाया, पर एंड में जब उनकी ब्लडलाइन में दरार आने लग गई तो हम सभी क्या देखते हैं, खुद महान कोडी रोड्स उसी रोमन रेंस की मदद करने जाते हैं जिससे वो पहले लड़ रहे थे, जिससे मैं इतने सालों से लड़ रहा था। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुमने उसकी मदद करी, बस बहुत हुआ, जो भी सुनना था मैंने सुन लिया, अब तुम अपना मुंह बंद कर लो। पर असल में मैं उस समय रोमन के साथ खड़ा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे लगा वो सही था, और असल में वो सही था भी, और वो गलत होता तो मैं उसको खुद मारता, पर बात ये नहीं है, बात है तुम्हारी, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हें लग रहा तुमने सब कुछ सही किया, तुमने सब कुछ गलत किया, तुमने उसी बंदे को मारा जो हमारे साथ खड़ा था, तुमने बार बार जो भी चीज करी सबकी सब गलत करी, तुम WWE के साथ एक दशक से हो, तुम ग्रैंड स्लैम चैंपियन हो, तुमने पता नहीं क्या क्या जीता है इसलिए सभी तुम्हें जानते हैं, पर असल में तुम खुद अपने आप को पहचान नहीं पा रहे, तुम क्या थे और क्या बन गए हो, क्योंकि तुम्हें लगता है तुम्हें नंबर 1 बनना है और ये शायद तुम्हारा लालच ही है। और फिर बात करें बैशन बर्लिन की, तो मैंने तुम्हें एक चांस भी दिया था पर तुम्हें शायद याद ना हो, तुम उस टाइम पे मेरे से हार गए, तुमने बहुत कोशिश करी जीतने की पर तुम हार गए, अगर तुम जीत जाते तो तुम्हारा सपना पूरा हो जाता,
तो यहाँ पे ना ही मेरी बात है ना ही रोमन की बात है, असल में प्रॉब्लम सिर्फ तुम हो। और फिर अब उसकी बारी है जिसका आपको शुरुआत से इंतजार था। सबसे पहले सोलो की ब्लडलाइन एंट्री लेती है, जिसके बाद ओजी ब्लडलाइन भी रिंग में आती है। फिर सोल सिका रोमन से बोलते हैं, रोमन मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ और मैं अभी भी चाहता हूँ तुम चारों के चारों मेरी ब्लडलाइन जॉइन कर लो और मुझे एक्नॉलेज कर लो, जिससे हमारी टीम और स्ट्रांग हो जाएगी और मैं तुम्हारे को कुछ नहीं करूंगा। पर अगर तुम मना करोगे तो मैं तुम्हें यहीं के यहीं गाड़ दूंगा, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। फिर वो उन्हें माइक देते हैं और रोमन माइक लेते हैं और कुछ बोलने वाले ही होते हैं, तभी हमें आवाज आती है लेडीज एंड जेंटलमैन। जी हाँ, यहाँ पे रिटर्न होता है पॉल हेमन का। आखिरकार हमारे वाइस मैन पॉल हेमन आ गए और काफी टाइम बाद हमें सुनाई देता है, लेडीज एंड जेंटलमैन माई नेम इज पॉल हेमन। और इस चीज से क्राउड का रिएक्शन भी नेक्स्ट लेवल था। सर्वाइवर सीरीज में चार के खिलाफ पांच बंदे ये तो बिल्कुल सही नहीं है, होगा 5 vs 5 मैच। और हमारा पांचवा बंदा है, और तभी वहाँ पे थीम सॉन्ग प्ले होता है सीएम पंक का। वहाँ पे सीएम पंक आते हैं और रिंग में पहुंचते ही और सीएम पंक के जुड़ने से ओजी ब्लडलाइन और स्ट्रांग हो गई। फिर ये सोलो की ब्लडलाइन को मार के रिंग से बाहर भी कर देते हैं। तो रोमन सीएम पंक से पूछते हैं, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और सीएम पंक इशारा करते हैं पॉल हेमन की तरफ, मैं यहाँ पे सिर्फ उसकी वजह से आया हूँ। तो अब सर्वाइवर सीरीज के लिए ओजी ब्लडलाइन में सीएम पंक जुड़ चुके हैं। तो ये स्मैकडाउन तो यहीं पे खत्म हो जाता है, पर ये वीडियो जब भी खत्म होगी जब आप सब्सक्राइब करोगे।